ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ बदल देने वाली है, इसलिए कुछ भी हो जाए एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये जो आप नंबर देख रहे हो 14 to 30, ये वो एज है जिसपे ये डिपेंड करता है कि आप लाइफ में कितना ज्यादा सक्सेसफुल बन पाओगे, कितने पैसे कमा पाओगे, अपने लाइफ में कितना सक्सेसफुल बन पाओगे, या फिर आप अपने लाइफ में स्ट्रगल ही करते रहोगे और पूरी जिंदगी इसी रेट रेस में गुजार दोगे, जिसे जिंदगी जीना नहीं बल्कि काटना कहते हैं। देखिए, कहते हैं कि जो लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं वो जल्दी आगे आ जाते हैं, क्योंकि खुद गलती करके सीख के आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगी। और अभी मैं आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स, कुछ ऐसे गलतियों के बारे में बताऊंगा जिसे इस एज में लोग करते ही हैं, और जो नहीं करते हैं या फिर दूसरों की गलतियों से सीख जाते हैं वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन पाते हैं, बहुत ज्यादा अर्न कर पाते हैं। तो ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। मिस्टेक नंबर 1, फोकस ऑन अपोजिट जेंडर। जैसे ही कोई बच्चा टीन एज से यंग एज में जाता है तो उसके बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं कि वो दूसरे जेंडर के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं। एक मेल है तो वो फीमेल से अट्रैक्ट होगा, एक फीमेल है तो वो मेल से अट्रैक्ट होगा, और इसी अट्रैक्शन को लोग लव मानकर एक बहुत बड़ी ट्रैप में फंस जाते हैं, और जो कि उसके करियर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। आप इस तरीके से समझिए कि जैसे कि एक पेड़ का जड़ जितना ज्यादा मजबूत होता है वो पेड़ भी उतना ही मजबूत होता है, ठीक उसी तरीके से अभी जो ये जो एज है आपका, ये एज है अपने जड़ों को मजबूत बनाने का, ताकि आप एक मजबूत इंसान बन सकें, आप एक भारी इंसान बन सकें, ताकि लोग आपका सम्मान करें, समाज में आपका एक अलग ही इज्जत हो, आप जो चाहे वो कर पाएं। मैं ये नहीं कहता कि ये सब गलत है, लेकिन अगर आप अपने करियर से ज्यादा इन सब चीजों पे फोकस कर रहे हो, अपने स्टडी से ज्यादा इन सब चीजों पे टाइम दे रहे हो, बहुत घंटों तक इन सब चीजों के बारे में सोचते रहते हो, जहां जाते हो इन सब चीजों के ऊपर ही बात करते हो, तो फिर तो आप बहुत ज्यादा गलत राह पे हो। अगर आप इस राह से बाहर नहीं निकलते हो तो लाइफ आपको ऐसा तमाचा मारेगी कि आप रोने के सिवाय कुछ नहीं कर पाओगे, करियर भी बर्बाद हो जाएगी। तो करो, लेकिन एक लिमिट में, अपने करियर पे ज्यादा फोकस करो, अपने स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, जो आपको एक सही इंसान बनाएगी। क्योंकि जब तक आप एक काबिल इंसान नहीं बनोगे ना, तो जिसके पीछे आप पागल हो वो भी आपको एक दिन छोड़कर चली जाएगी या फिर चला जाएगा। मिस्टेक नंबर 2, मास्टरबेटिंग टू मच एंड वॉचिंग पोर्न। देखिए, ये दो ऐसी चीजें हैं ना जो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से बर्बाद कर देगी। देखिए, जब कोई इंसान मास्टरबेट करता है तो उसकी बॉडी से सीमन एजुकुलेट होती है, और आपके बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर है ना कि अगर आपके बॉडी को सीमन भी बनाना है और आपके बॉडी को बनाना है, आपके मसल्स को भी बनाना है, तो आपका बॉडी पहले सीमन को बनाएगा, बाद में आपके मसल्स को ग्रो करेगा, आपके बॉडी को ग्रो करेगा। और यही कारण है कि अगर आप इस एज में बहुत ज्यादा इन सब चीजों को करते हो तो आपका ना तो बॉडी ठीक तरीके से ग्रो हो पाएगा, ना आप अपने पोटेंशियल जितना हाइट है उतना तक जा पाओगे, और साथ ही आपके फेस का ग्लो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपका उम्र तो बढ़ता जाएगा लेकिन आपका बॉडी एक बच्चे के तरह ही रहेगा। और रही बात पॉर्न का, तो देखिए, जब आप पॉर्न देखते हो तो आपके ब्रेन का ये हिस्सा जिसे परफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स को आदान प्रदान करता है, थॉट्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजता है, वो धीरे धीरे करके बर्न होने लगती है, जलने लग जाती है, जिससे कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। आप बहुत जल्दी किसी भी काम में इरिटेट होने लगते हो, किसी काम में आपको मन नहीं लगता है, साथ ही आपका मेमोरी जो होता है वो भी कम होता है, आपका क्रिएटिविटी लेवल भी घटने लग जाती है। तो अगर आप इन दो चीजों से एडिक्ट हो भाई, तो जितना जल्दी हो सके इनसे बाहर निकलो, नहीं तो आप मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से बर्बाद हो जाओ। मिस्टेक नंबर 3, नॉट लर्निंग हाउ टू मेक मनी। देखिए, ये एक ऐसा स्किल है ना जिसे अगर आप अपने ऊपर डेवलप कर पाते हो तो आप लाइफ में इतना ज्यादा सक्सेसफुल बन पाओगे, इतना अर्न कर पाओगे जितना आपने कल्पना भी नहीं करा होगा। देखिए, पैसा बनाने का मतलब क्या है, जैसे आप इस एज में इंटर करते हो, टीन एज से यंग एज में इंटर करते हो, तो आपको ये सोचना शुरू कर देना चाहिए कि पैसा किस तरीके से काम करता है। आपको ये सीखना चाहिए कि पैसे से पैसा कैसे बनता है। मैं ये नहीं कहता कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, क्योंकि इस एज में आपके पास कुछ होगा तब ना इन्वेस्ट करोगे भाई,
खुद की यहाँ हालत खराब है तो यहाँ पे आप तो इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं ला सकते। इसीलिए आपको क्या सीखना है कि 1 रुपए से 2 रुपए कैसे बन सकता है, यानी कि अगर आप ये कला सीख गए तो आप 10 रुपए का 20 रुपए भी बना लोगे और 20 का 100 भी बना लोगे और 100 का 1000, 1000 का 10000 भी बना लोगे। लेकिन ध्यान रहे कि गलत चीजों की मदद से ऐसा नहीं करना है, बल्कि सही चीजों को सीख कर ये करना है। क्योंकि अगर आप एक बार इस चीज को सीख गए, ये स्किल अपने अंदर डेवलप कर पाए, अपने थिंकिंग को ऐसा बना लिए, तो अभी तो आप अर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन जब भी आप अर्न करोगे ना, तो आपके पास कभी भी पैसे के लिए कमी नहीं होगी। आप पैसे के लिए कभी भी नहीं सोचोगे। आप दुनिया के उन 5% लोगों में शामिल हो पाओगे जिसके बदौलत दुनिया के 95% लोग काम कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 4, ओनली फोकस ऑन बुक स्टडी, यानी कि केवल किताबी पढ़ाई पे फोकस करना। आज भारत में इतने सारे लोग बेरोजगार हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसके पास सिर्फ किताबी नॉलेज है, उसके पास कोई स्किल है ही नहीं। आज के टाइम पे इतना ज्यादा बेरोजगारी है तो आने वाले टाइम में तो ये और ज्यादा बढ़ जाने वाली है, क्योंकि जो काम आज 10 लोग मिलकर कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में एक मशीन ही कर डालेगी। और इसीलिए आने वाले टाइम पे वही राज कर पाएगा, वही अपनी जिंदगी को जी पाएगा जिसके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई गलत है, आप पढ़ाई करो, बुक नॉलेज लो, लेकिन बुक के साथ साथ स्किल्स को भी सीखो, कोई हुनर भी सीखो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितने भी बड़े बड़े कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, टेस्ला, टाटा मोटर्स और भी जितने सारे कंपनी है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप इन कंपनीज पे जॉब पा सकते हो। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि केवल अपने स्किल के बदौलत आज इन कंपनियों में राज कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे स्किल को नहीं, लेकिन एक स्किल को अपने आप में मास्टर जरूर करके रखो, ताकि अगर लाइफ में किसी तरह फेल भी हो जाते हो, जॉब नहीं लग पाती है, तो इस स्किल के बदौलत आप कुछ काम कर पाओगे, कुछ अर्न कर पाओगे, जिससे आप अपने लाइफ को जी पाओगे। मिस्टेक नंबर 5, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन लर्निंग। लोग सोचते हैं कि अपने पैसे को किसी बैंक पे या फिर किसी प्रॉपर्टी पे, कहीं स्टॉक पे या गोल्ड पे, सिल्वर पे या फिर किसी गाड़ी पे इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है खुद के लर्निंग पे इन्वेस्ट करना। अगर अभी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो आपके पास जितने पैसे हैं उसे खुद के लर्निंग पे इन्वेस्ट करो। नए नए चीजों को सीखो, नए नए बुक्स को पढ़ो। आपको ये पता नहीं कि 100 रुपए का बुक्स का कौन सा एक लाइन आपके माथे पे छप जाएगा और आपके पूरे विजन को बदल के रख देगा। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि किसी इवेंट में चले जाना, किसी बुक्स को खरीद लेना या फिर कहीं घूमने चले जाना, ये सब वेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये पता नहीं कि किस इवेंट में या फिर किस सेमिनार में आप एक ऐसे लाइन को सुन लो जो कि आपके पूरे सोचने के तरीके को ही बदल दे। और आपके थिंकिंग का ही तो सारा खेल है, आप जो सोच पाओगे वही आप कर पाओगे और वही जीवन में बन पाओगे। इसलिए अगर आपके पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है तो ये नहीं सोचना है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर कहीं बैंक में पैसे रख दें या फिर किसी लैंड में पैसे लगा दें, आपको ये नहीं सोचना है, बल्कि अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि एक बार लर्निंग पे इन्वेस्ट करके अगर कुछ नया सीख गए, किसी स्किल को मास्टर कर लिए ना, तो उस लर्निंग के मदद से इतने पैसे कमाओगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मिस्टेक नंबर 6, स्मॉल थिंकिंग। देखिए, आज दुनिया के अधिकांश लोग अनसक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि वो बहुत बड़ा सोचे और उसे अचीव नहीं कर पाए, बल्कि वो इसलिए है ताकि बहुत छोटा सोचे और उसे अचीव कर लिए। मुझे पता है कि ये बात आप में से बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही होगी। देखिए क्या होता है कि इस एज में बच्चों की, लोगों की सोच उतनी ज्यादा खुली नहीं होती है, वो बहुत छोटा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि 20,000, 30,000, 50,000 की जॉब मिल जाए तो मेरी लाइफ पूरी तरीके से सेट है, जबकि उस लड़के या लड़की की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं, बहुत अर्न कर सकते हैं, लेकिन केवल अपने सोच के वजह से किसी छोटे मोटे चीज को अचीव करके अपने लाइफ को उसी में समेट कर रख लेते हैं। इसलिए सोचिए, जितना बड़ा सोच सकते हैं
सोचिए, क्योंकि जो ही आप सोच पाओगे वही आप कर पाओगे। तो जल्दी से वीडियो को समराइज कर लेते हैं ताकि ये मिस्टेक्स आपके दिमाग में बैठ जाए और आप इन गलतियों को ना दोहराएं और आप अपने लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल बन सके, बहुत ज्यादा सफल हो पाए। नंबर वन, फोकस ऑन अपोजिट जेंडर, यानी दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित होना। नंबर टू, मास्टरबेटिंग टू मच एंड वॉचिंग पोर्न। नंबर थ्री, नॉट लर्निंग हाउ टू मेक मनी। नंबर फोर, ओनली फोकस ऑन बुक स्टडी। नंबर फाइव, डोंट इन्वेस्ट मनी ऑन लर्निंग। नंबर सिक्स, स्मॉल थिंकिंग। तो ये छह ऐसे मिस्टेक्स हैं जिसे आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने लाइफ में इसी तरह के वैल्यू को ऐड करने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।